भूमाफियाओं से वन अधिकारियों की सांठगांठ अब खुलकर नजर आने लगी है। बता दें वन क्षेत्र पार्ट ए बी और सी में भारी मात्रा में अतिक्रमण हो रहे। वन भूमि पर अतिक्रमी वन अधिकारियों से मिलीभगत कर इन्हें खुदमुर्त कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों की नींद नहीं टूट रही। ऐसे में एनजीटी की गाइडलाइन हो या सरकारी फरमान, हर जगह अधिकारियों की घुसखोरी नजर आती है। हालातों को देखते हुए कहा जा सकता है कि एक दिन भूमाफिया सारी वन भूमि को निगल जाएंगे। हालांकि राज्य और भारत सरकार वन भूमि को लेकर बहुत संजीदा है, लेकिन घुसखोर अधिकारी सरकार की मंशा पर कालिक पोत रहे हैं। देखिए सच बेधड़क की सामाजिक सरोकारों से जुड़ी बेधड़क रिपोर्ट। वन भूमि पर लगातार अतिक्रमण हो रहे हैं। वन विभाग के जो रक्षक है वे ही यहां पर भक्षक बनते नजर आ रहे हैं। लगातार जो है अतिक्रमणों के चलते अतिक्रमियों के हौसले यहां पर बुलंद नजर आ रहे हैं, और आलम यह है कि धीरे धीरे जो वन क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं यहां पर खत्म होता नजर आ रहा है। अगर इस तरह की लापरवाही सामने आती रही तो कैसे वन बचेंगे? वन विभाग की तो क्या बताएं, वन विभाग को तो एक अपनी घर की दुकान समझ रखा है। अभी ताज़ा ही मामला है, वार्ड नंबर 51 और 53 के बीच से करबला की रोड जाती है, और करबला से आगे जो वन भूमि है उस पे एक इंडिविजुअल व्यक्ति ने कॉलोनी काटी है, और वो कॉलोनी जो काटी है वो तो खेत की ज़मीन है, जो रोड बना रखी है वो वन भूमि पर स्थापित की गई है, और वो सब वन विभाग के कर्मचारियों से अधिकारियों से मिली भगत करके मुझे शंका है इसमें लाखों रुपये गमन किए गए हैं, और ये सड़क मिली भगत से बनाई गई है। बहुत ही भ्रष्टाचार चल रहा है, आसानी से कॉलोनियाँ काटी जा रही है। इनका कोई उसमें ये नहीं है कि अपन देखें ऐसे कैसे हो रहा है। गाछर रोड, गाछर के पास जो हनुमान गढ़ी मंदिर है वहाँ बहुत ही आसानी से कब्जा किया जा रहा है। तारानगर रोड है, भूटिया रोड है, तो हम मैडम से ये पूछना चाहते हैं कि क्या इनके पास ये प्रमाणित है कि ये कब्जा करवा सकते हैं। करबला के पास, करबला है जहाँ पे रोड दी जा रही है, तो ये क्या इनके पास है कि ये रोड देने की इनके पास अनुमति है, तो आप हमें जवाब दें। चले इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ चूरू से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता कौशल। कौशल, क्या कुछ ये पूरा मामला है, यहाँ पर लोगों में भी गुस्सा साफ नजर आ रहा है इस पूरे मामले को लेकर? जी माधुरी, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो IFS है सविता दहिया, उनकी मनमानी चल रही है यहाँ पर। पिछले एक साल से लगभग 2000 के करीब कब्जे हो चुके हैं वन भूमियों पर। वन भूमि जो गोयनका स्कूल है उसके पीछे, इसके अलावा हनुमानगढ़ी रोड, बूटिया रोड, कड़वासर रोड, अगुना मोहल्ला, जहाँ जहाँ वन भूमि है वहाँ वहाँ कब्जे लगातार धड़ल्ले से हो रहे हैं, और भूमाफियाओं से सांठगांठ का भी यहाँ मामला सामने आया है। जो करबला की रोड जाती है वहाँ से वन भूमि पर रातों रात सड़कें बन जाती है, तो ऐसे में लाजमी है कि ऐसे अधिकारियों पर आरोप लगे। कौशल, जब वन भूमि पर रातों रात यहाँ पर सड़कें बन रही है, तो वन विभाग कौन सी गहरी नींद में सो रहा है? ये बड़ा सवाल है। इस पे हालांकि शिकायतें हुई है, काफी शिकायतें हुई है, बार बार शिकायतें हुई है, लेकिन अफसरशाही है वो अपने रुबाब में है इस समय, इसलिए इनको कौन कहे। कोतवाल भय सैया तो मुजरिमों को कौन क्या कहेगा। फिलहाल जो बड़ा सवाल है वो यह है कि अगर ऐसे कब्जे होते रहे भूमाफियाओं के साथ सांठगांठ करके, तो ये वन भूमि एक दिन समाप्त हो जाएगी चूरू में। बड़ा 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 सवाल है ये। जी कौशल, वहां पर अतिक्रमियों के हौसले क्या इतने बुलंद है कि वन विभाग भी कुछ नहीं कर पा रहा है, प्रशासन भी कुछ नहीं कर पा रहा है? देखिए यहाँ पर सवाल यही है कि भूमाफिया अगर खुद करता है, कब्जे करता है, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है अधिकारियों पर कि सांठगांठ के बिना भूमाफिया इतने बड़े कब्जे नहीं कर सकता, कॉलोनियां नहीं काटी जा सकती, कहीं ना कहीं शय पर ही काम हो रहा है। जी बिल्कुल कौशल, हमने यहाँ पर कुछ जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उन्हें सुना, साफ तौर पर कहना है कि सांठगांठ यहाँ पर नजर आ रही है, मिलीभगत नजर आ रही है वन विभाग के अधिकारियों की, तो ऐसे में क्या आपकी बात वन विभाग के अधिकारियों से ही, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले पर? देखिए अपन ने प्राथमिकता से ये खबर चलाई है, जिसके बाद अधिकारी है कुछ भी कहने से इनकार करते हैं। अभी हाल ही में वन रक्षक भर्ती
2023 में फर्जीवाड़े की बात सामने आई थी, उस समय भी हमने चर्चा करने के प्रयास किए, लेकिन कैमरे के सामने आने से अधिकारी कतराते हैं और उस जो वन रक्षक भर्ती थी उसमें आनन फानन में खबर चलने के बाद, सच बेधड़क की खबर चलने के बाद में उन्होंने एक आदमी को, एक जो गार्ड है उस पर कार्यवाही भी की है, सस्पेंड की कार्यवाही की है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है, जो जिम्मेदार अधिकारी है उस पर कार्यवाही नहीं होती और एक छोटे से कर्मचारियों पर कार्यवाही करके इतिश्री कर ली जाती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कौशल, लगातार नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, क्योंकि जो बात है वो हमारे वनों से जुड़ी है, हमारे पर्यावरण से जुड़ी है। आपको बता दें वन विभाग के अधिकारियों के मनमानी के चलते लगातार जो है अतिक्रमियों के हौसले चूरू में बुलंद नजर आ रहे हैं।